तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल एपिसोड। गाइस तो इस वाले एपिसोड में गाइस हम लोग बनाएंगे अपने लिए एक न्यू हाउस। तो पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मैंने पूरा का पूरा आर्मर बनाया था, वो भी आयरन का। तो लेट्स सी गाइस। तो गाइस जो हमारा हाउस बनेगा तो वो डीप स्लेट के ब्रिक से बनेगा एंड 8x8 का बनेगा गाइस। तो इतने जगह में हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मतलब साफ सफाई करके रखी है। तो देखते हैं गाइस, यहाँ देखो गाइस। तो वहाँ पर अगर मैं एक घर जो है अबे हमारा घर नहीं रह गया। पिछले वाले एपिसोड में यहाँ पे हम गए थे डायमंड की खुदाई करने गाइस। तो अभी हम यहाँ पे टॉर्च लगा देंगे क्योंकि बहुत जॉम्बी क्रीपर स्पॉन होता है गाइस। तो पहले मैं वहाँ पे जो कोना है उस कॉर्नर को पहले मैं गाइस सही करता हूँ। तो देखते हैं गाइस। तो इस कॉर्नर को गाइस सबसे पहले मैं सही करता हूँ, उसके बाद देखते हैं गाइस क्या होता है। तो अभी डर्ट यहाँ पे खोदते हैं तो देन देखते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली मैंने सारा का सारा डर्ट खोद दिया है एंड एरिया भी क्लीन हो गया है। वैसे मुझे इतना एरिया की ज़रूरत नहीं है, 8x8 का बनेगा वो, तो इतने में गाइस काम हो जाएगा हमारा। तो जिन जिन बंदों का अभी तक गाइस सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के पास वाले घंटा को जरूर दबाना गाइस। तो पहले मैं यहाँ 8x8 का बनाता हूँ गाइस बाउंड्री। तो फाइनली गाइस हमारा 8x8 का बाउंड्री जो है बन चुका है। इतने में गाइस हमारा घर बनेगा, काफ़ी छोटा है लेकिन अपना गुजारा चल जाएगा गाइस। और बाद में गाइस हम लोग बनाएंगे और भी अच्छे। तो सारा का सारा सामान मैंने ले लिया है, डीप स्लेट के ब्रिक्स जो मैंने माइन किया था जैसे मैंने आपको बोला था पिछले वाले एपिसोड में, तो उससे मैंने बनाया है। एंड अभी मैं जो क्लियर करूँगा वो होगा हुड से। तो वहाँ 4 ब्लॉक ऊपर जाएंगे एंड नीचे एम एल जी करेंगे। एंड ऐसे ही गाइस चारों कॉर्नर पे गाइस मुझे करना है। तो लेट्स सी। तो फाइनली गाइस मैंने बाउंड्री जो है कंप्लीट कर दी है। तो ये हम स्क्रिप्ट भी करेंगे, मतलब इसको छील देंगे, क्या बोलते हैं यार उसको इंग्लिश, मुझे ट्रांसलेट करना नहीं आता। तो पहले हम यहाँ पे ब्रिक लगाएंगे एंड पहले इसका मिडल निकालते हैं गाइस, ब्रिक से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 3 4। तो आई थिंक हाँ 1 2 1 2 3 1 2 3। तो यही है गाइस मिडल जहाँ पे हमारा डोर जाएगा। तो अभी इसको हम निकाल देंगे एंड गाइस अभी मैं इसको गाइस फिल करता हूँ अपने डीप स्लेट के ब्रिक से। तो ये हमारे डीप स्लेट का ब्रिक्स एंड अभी हम इस पर यहाँ पर पूरा फिल करते हैं गाइस। गाइस हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोग देखते हैं वॉल बाउंड्री सब कुछ बन चुका है। तो अभी ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, यहाँ का अभी रूफ भी बनाना है एंड नीचे का फ्लोर भी गाइस पहले साफ कर देते हैं मतलब बदल देते हैं। तो गाइस फाइनली फ्लोर यहाँ पे मैंने बदल दिया है एंड यहाँ पे। तो गाइस अभी मेरे पास स्टोन ब्रिक्स नहीं है तो मैंने वही लगा दिया। तो मैंने रूफ और छत जो है मैंने अपने डीप स्लेट के ब्रिक्स से ही लगा दिया। तो उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन गाइस है, तो गाइस बुरा भी नहीं कह सकते गाइस। तो नेक्स्ट एपिसोड में गाइस हम लोग, तो नेक्स्ट एपिसोड नहीं गाइस ये मैं ऑफलाइन में ही कर दूंगा। थोड़ा बहुत कवर स्टोन खुद के लानेंगे एंड उसके ब्रिक्स बनाएंगे स्मेल करके, देन गाइस मैं पूरा फ्लोर जो है वो बदल दूंगा। तो अभी हम थोड़े बहुत यहाँ पे लैंटर्न बनाते हैं गाइस क्योंकि लैंटर्न की सख्त ज़रूरत है हमारे हाउस पे। तो गाइस उसको हम डेकोरेट भी करेंगे। तो इसके इंगट भी बनाना पड़ता है ना पहले, उसके बाद बनेंगे अपना लैंटर्न एंड 4 बनाते हैं।
इतना नहीं है, 6 बना देते हैं क्योंकि बाहर भी 2 लगाएंगे। तो अभी रात हो गया तो अभी सो जाते हैं, सुबह हो गया है तो यहाँ पे 2 बैठ गए, इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि यहाँ पे एक विलेजर आके सोता है गाइस ताकि वो मर ना जाए। एंड मैं भी अंदर लैंटर्न वगैरह सब लगा देता हूँ। इस हाउस को अपग्रेड तो करेंगे गाइस, बहुत कूल सा दिखने का बनाएंगे। अभी उतना खास तो नहीं है लेकिन अपने रहने जैसे तो है गाइस। यहाँ पे 2-3 चेस्ट अभी के लिए लगा देंगे। एंड अभी इतना खास तो नहीं है तो पहले इसको डेकोरेट करते हैं थोड़ा बहुत हम लोग, देन गाइस देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ वॉल एंड वॉल स्टेयर्स लेके आ चुका हूँ। तो स्लैब्स मेरे पास पहले से था गाइस, तो अभी मैं इसको कुछ डेकोरेट करने वाला हूँ। पहले गाइस इसको तोड़ देंगे एंड क्योंकि हम अपना डोर जो है थोड़ा ऊपर लगाएंगे फिलहाल के लिए। यहाँ पे हम लोग नीचे एक ब्रिक्स लगाएंगे, देन उसके ऊपर हम लोग डोर लगाएंगे गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक स्टेयर मैं लगाऊंगा ताकि मेरा घर जो है थोड़ा बहुत अच्छा दिखे। स्टेयर्स एंड वॉल गाइस, तो स्टेयर्स फिलहाल के लिए उल्टा लग चुका है तो अभी हम इसको सीधा लगाएंगे। एंड अभी हम लोग गाइस वॉल नहीं लगाएंगे, स्लैब्स लगाएंगे क्योंकि बाहर से भी लगना चाहिए ना गाइस कि अपना घर है। तो देखते हैं गाइस यहाँ पे गाइस मैं गलत लगता है तब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है गाइस। फिलहाल के लिए स्लैब्स एंड स्टेयर ये बहुत ज़्यादा गलत लगता है। तो यहाँ पे मैं वॉल लगा दूँगा, यहाँ पे वॉल जहाँ जिसके ऊपर गाइस हम लोग लैंटर्न लगाएंगे। एंड यहाँ पर एक वॉल एंड हमारा 2 लैंटर्न जो हम लोग बचा के रखे थे। एंड यहाँ पे एक आएगा एंड यहाँ पे एक आएगा। एंड गाइस आने वाले समय में गाइस मैं भी हम लोग इस घर को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्लैब्स लगाता हूँ, इधर 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 इधर। एंड देखते हैं गाइस, तो भाई जिसको मतलब मिडिल पे मैं गाइस थोड़ा बहुत एक्सटेंड करूँगा गाइस। देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ए एंड ये वाला मिडल एंड यहाँ पे देख रहे हो गाइस कुछ ऐसा अपन बनाएंगा। एंड मैं जैसे ही बोला था स्लैब सारे बहुत गंदा पे प्लेस होता है, अगर थोड़ा सा भी आपका एम अगर इधर उधर हो जाए तो ये दो स्लैब्स एंड स्टेयर्स इधर उधर लग जाता है। तो मैं पहले ये सब फिल करता हूँ देन मिलता हूँ आप लोगों से। तो फाइनली गाइस यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बाहर कुछ फेंसेस किए हैं एंड चारों ओर जो है मैंने स्लैब्स लगा दिए हैं। तो मैं भी आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो अंदर आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे मैंने चेस्ट लगाए हैं 2 एंड एक क्राफ्टिंग टेबल, एक बेड एंड एक फर्नेस एंड एक दिखाने के लिए बस मैंने एक बैरल लगा दिया है। तो यहाँ पे एक डोर है जिसको हमेशा लगाए रखना चाहिए जो कि हमारा वर्ल्ड का रूल है। तो अभी बैकग्राउंड में कैसे गंदा म्यूजिक बजा। तो अभी यहाँ पे मैंने बेड फर्नेस एंड चेस्ट रख दिया है, फिलहाल के लिए सीखो मारते हैं। तो अभी गाइस देख सकते हो हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।